स्वागत है आपका फिर से एक हेल्पफुल कंटेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब भी आप अपना पोस्ट को इंडेक्सिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करने के लिए कहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक URL दे देता हूँ, देने के बाद में मैं यहाँ पे रिट्राइविंग गोल URL इज़ नॉट ऑन प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, आपको अपना ब्लॉगर का होम पेज का जो लिंक है, ठीक है, आपका होम पेज का जो लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने कोई भी ब्लॉग क्रिएट किया है, ठीक है, उसका होम पेज पे आ जाना है। यहाँ से आपको इस वाले को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से होम पेज को, ठीक है। करने के बाद में आपको फिर से जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, यहाँ पे आपको आपका जितने प्रॉपर्टी होगा वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद में आप जितने पोस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग जो है यहाँ पे मैंने वेरीफाई करके रखे हैं। आपका यहाँ पे अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे मैं टैबलेट्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऐड प्रॉपर्टी आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी ये देखिए यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, मैंने अपने टैबलेट को घुमा दिया है। मैं घुमा कर रहा था तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर रहा था जिसके वजह से ये ऐड प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर मेरा देखिए ये सारे प्रॉपर्टी वेरीफाई किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। आपको जो होम पेज ब्लॉग का जो होम पेज का URL है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे आपका आपका जो प्रॉपर्टी है वेरीफाई हो जाएगा। डन, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है तो आपका जो ब्लॉग है अभी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर जितने भी ब्लॉग है उसमें मैंने अभी जो ब्लॉग मैंने यहाँ पर वेरीफाई किया तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है यहाँ पे शो कर रहा है जिस पोस्ट को मैं इंडेक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से आप अपने उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस ब्लॉग के पोस्ट को आप इंडेक्स करना चाहते हैं, उस ब्लॉग को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ऊपर देखें मेरा ब्लॉग यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको उस ब्लॉग का जो पोस्ट का जो URL है यहाँ पे दीजिएगा। URL इज़ नॉट ऑन प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सॉरी क्यों ऐसा दिखा रहा है, पोस्ट फिर से लिंक कॉपी करता हूँ। करने के बाद में फिर से मैं जाता हूँ ओवरव्यू पे, उसके बाद में फिर मैं इस पर करके मैं करता हूँ। अब मेरा पोस्ट जो है वो दोस्तों आसानी से इंडेक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपना जो प्रॉपर्टी है पहले वेरीफाई करना, करने के बाद में उसी प्रॉपर्टी को उसी ब्लॉक को आप ऊपर में सेलेक्ट करना, उसके बाद में उसके पोस्ट को यहाँ पर इंडेक्स करना तो आपका जो पोस्ट है वो इंडेक्सिंग इजीली हो जाएगा। देखिए अब मैं गॉट इट पर क्लिक करता हूँ, लाइव पे जाता हूँ, लाइव टेस्ट लाइव URL पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग लाइव URL, अब मेरा पोस्ट जो है वो आसानी से इंडेक्स हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है URL इज़ नॉट ऑन गूगल, पर अब दिखाएगा URL इज़ ऑन गूगल। तो देखिए URL इज़ अवेलेबल टू गूगल बट हैज़ एन इशू, इसका मतलब पोस्ट इंडेक्स हो गया है। मैं जाता हूँ पोस्ट पे, देखिए यहाँ पे 0 व्यूज़ है। यहाँ पे अभी इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, देखिए 10 व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम पर और भी अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। तो कमेंट करना, कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, और कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम में DM करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।